राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। खरीफ 2022-23 उपार्जन में नए प्रावधान कर किसानों को लाभ देने की तैयारी की गई है। गुरुवार को मंत्रालय में खरीफ उपार्जन की समीक्षा करते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब किसानों को अपने अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपने पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान PFMS से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं उपार्जन अवधि की बात करें तो खरीफ उपार्जन 2022-23 के लिए धान का उपार्जन 28 नवंबर 2022 से शुरू होगा। वहीं 16 जनवरी 2023 तक उपार्जन किया जाना है, जबकि ज्वार बाजरे के लिए उपार्जन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक संचालित की जाएगी। वहीं समर्थन मूल्य की बात करें तो इसके लिए समर्थन मूल्य भी तय कर दिए गए हैं। धान का उपार्जन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि हाइब्रिड ज्वार का समर्थन मूल्य 2970 रुपए प्रति क्विंटल है और इसके अलावा बाजरे का समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।